शरद केलकर आज बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं। कम समय में शरद केलकर ने अपनी अदाकारी का सिक्का बॉलीवुड में जमा लिया। हाल ही में आई उनकी फिल्म तानाजी में उनके द्वारा अभिनीत छत्रपति महाराज शिवाजी के किरदार को काफी पसंद किया गया और अब शरद केलकर को आप उनकी नई फिल्म दरबान में देख पाएंगे। हाल ही में दरबान के ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म की कास्ट और क्रू मौजूद रही। फिल्म में शरद केलकर के अलावा शारिब हाशमी, फ्लोरा सेनी, रसिका दुग्गल और हर्ष छाया जैसे कलाकारों ने भूमिका निभाई है। दरबान फिल्म को विपिन नाटकर्णी ने निर्देशित किया है और उन्होंने ही इसे प्रोड्यूस किया है। Well, it's a symbolic name. Darbaan stands for a caretaker. He's the one who holds the door. Right. Who guards the door. In this case, he's the caretaker of the child. So he's the Darbaan of the child. So that is the link. फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है। इस फिल्म में काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शरद केलकर ने इंडिया टीवी से शेयर किया। शुरुआत आपकी अच्छी हो करियर में, तो आपके पास अच्छी चीजें आती हैं। शुरुआत इनसे ही हुई थी। मैंने अपनी पहली फिल्म 2005 में उत्तरायण जो थी वो विपिन सर के साथ की थी, इसको नेशनल अवार्ड मिला उस साल में। तो शुरुआत आपकी ऐसी हो तो फिर सफर भी अच्छा रहता है मेरे ख्याल से। तो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पता था विपिन जो बनाएंगे वो अच्छा ही होगा कहानी के तौर पे, क्योंकि वो वैसे यहाँ वहाँ के सब्जेक्ट उठाते नहीं है, वो अच्छी ही फिल्में बनाते हैं हमेशा। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ। और फिर हमारा साथ बड़ा पुराना है मेरे बचपन से तो मैं ना भी नहीं भूल सकता वैसा है नहीं, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद द फिल्म बिकॉज छोटा है बट बहुत अच्छा रोल है। और फिर साथ में इनके साथ काम करने का मौका मिला जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, फ्लोरा है, रसिका है फिल्म के अंदर, हर्ष जी हैं, तो काफी लोग साथ में थे और बड़ा मजा आया काम करने में। फिर जैसे आप रणबीर कपूर निकालते हैं, ये बहुत कुछ निकालते हैं तो टाइम पास भी अच्छा था इनके साथ। So I have to thank Vipin sir. We were doing an ad and we shot for 2 days. Yeah. You know, 2 days and I think first day ke end pe sir came, Alok came and said sir wants to talk to you. I said hey, main dar gayi. Maine kaha pata nahi, I'm doing something wrong. And that's when sir said ki I'm making this film and you know I would like to cast you. And yeah, that was it. दरबान फिल्म ऑप्टिकस पिक्चर्स की प्रस्तुति है। ये फिल्म 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मुंबई से इंडिया टीवी डिजिटल के लिए ज्योति एम सुवर्णा की रिपोर्ट।